अभी जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि जो असिस्टेंट साइड है डॉक्टर की, उसका जो हमने वो स्टैंड लगाना है जिसके ऊपर हैंड पीस और सक्शन और ट्रिपल सिरिंज वगैरह जो लगाई जाती हैं उनके लिए जो हमारा स्टैंड है वो हम ये फिट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे है, ये यहाँ हमने स्लाइड किया और ये कुछ फिट हो गया है। ये इसे सीधा सीधा कुछ फिट, ये इसकी बैक साइड में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर कुछ फिट हो जाता है। ये हमने स्लाइड करके इसको यहाँ लगा दिया। अब ये इसके अंदर से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो अच्छे से थोड़ा सा ये देखेंगे, जिसमें ब्लू पाइप्स हैं ये वाटर के हैं, सर वाटर के हैं ना, वाटर के, और जो ये ट्रांसपेरेंट पाइप है ये एयर के होते हैं। ये इसकी वेंटिलीज लगी हुई हैं क्योंकि डेंटल में ज़्यादा काम जो वो एयर और वाटर से ही हो रहा होता है। जो उसके डेंटल हैंड पीस चल रहे होते हैं, जो उसकी कटिंग बर्स चल रही हैं, वो सारी एयर प्रेशर से चल रही होती हैं और वाटर से होते हैं। और ये जो है ना इसका ड्रेन पाइप है, जो पेशेंट थ्रूक वगैरह कर रहा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से कास्ट पैडर से। ये इसका सक्शन का ड्रेनेज जा रहा है सारा, ये वाटर इनलेट है और सक्शन का, कास्ट पैडर का जितना ड्रेन है वाटर का और उसका सक्शन का, वो सारा इस पाइप में, बड़े पाइप में जा रहा है सक्शन पाइप में, और ये वाटर इनलेट आ रही है। तो ये देखिए, ये इसका हमने वो जो सिस्टम लगाया था स्टैंड असिस्टेंट वाला, उसका हमने ऊपर ये नट टाइट कर दिया है। अब ये देख रहे हैं, और इसके अंदर ये इसके वाल्व लगे हुए हैं, ये वेंचरीज हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है। ये देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ये टाइमर, जो टाइमर कंट्रोल है बेसिकली, टाइमर कंट्रोल जो ऑटो फिलर होता है वाटर का उसका, और गुब्बार वगैरह चले उनका ऑटोमेटिक जो टाइमिंग कंट्रोल है वो इससे हो रहा होता है नहीं है। तो हम इसको मैनुअली, ये देखेंगे, इसको स्लाइड करेंगे और नीचे से ये थोड़ा सा इसको आप स्लोप बनाएंगे और डेंटल चेयर की वो देखें, ये नीचे लग गई, आहिस्ता आहिस्ता ये पकड़ के ना ये इसको हम प्लेस कर देंगे।